यहाँ एक और हम केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में मैं हेडिंग अपर हेडिंग देखिए आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हम डील करने वाले हैं रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, मतलब कि अल्कोहल की एक रिएक्शन है हैलोजन एसिड के साथ। तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनेगा, ऑब्जर्व क्या होगा, तो नंबर वन है हैलोजन मिलेगा, दूसरा है हमारे पास वाटर बनेगा, हैलोजन और वाटर प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। तो देखिए अल्कोहल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ROH हैलोजन एसिड जिसको कहा जा रहा है, HXO हाइड्रोजन प्लस हैलोजन एलिमेंट। कौन कौन से हैलोजन एलिमेंट होते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये जनरली हम इनको कंसिडर करते हैं। तो हैलोजन एसिड यहां लिखा, अल्कोहल मैंने यहां लिखा, तो देखते हैं क्या बनता है। ये जो H है OH इसका और H इसका दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को ब्रिजिंग ब्रिज कर दो और देखिए क्या मिलता है, वाटर मिलेगा और R ग्रुप अल्काइल ग्रुप और ये हैलोजन दोनों को आपस में जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा, हैलो एल्केन। फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड में हैलो एल्केन एंड हैलोरीन आता है टर्म, ठीक है। तो आर एस क्या हो गया, हैलो एल्केन, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं हैलो एल्केन हमारे पास मिल गया और ये मिला वाटर, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल है मान लो हमारे पास इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत ये कि ये अंडर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक अच्छी रिएक्शन जो है यूज जो है इसमें मिलती है। बिना कैटलिस्ट से प्राइमरी अगर हमारे पास अल्कोहल होगा तो रिएक्शन नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास एक कैटलिस्ट का नाम है जिंक क्लोराइड और उसके बाद उसको हीट करना होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। देखते हैं क्या मिलेगा, इसमें OH और इसको डिलीट कर देते हैं, हटा करके राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिल रहा है CH3CH2 और सीधा कनेक्ट करें इसको क्लोरीन के साथ, साथ के साथ वाटर। तो आपके पास हैलोजन मिल गया, क्लोरोइथेन, ठीक है, तो ये हैलोजन आ जाएगा। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये किसका एग्जांपल था, प्राइमरी अल्कोहल है, और यहां सेकेंडरी अल्कोहल भी अगर होता इसके बदले तो भी हमें कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती। तो यहां कैटालिस्ट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हम हैलोजन एसिड का ट्रीटमेंट करवाते हैं अल्कोहल से, ठीक है। अगर सपोज करें हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल होता और हम HCl के साथ ट्रीटमेंट करवाते तो उसमें उस केस के अंदर हमें कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपल रूम टेम्परेचर पे भी उसको हीट किया जाता या यूं समझे कि रिएक्शन अपने आप वहां हो जाती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें साथ के साथ। और एक और HCl के बदले अब हम एक नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसमें देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल मेरे पास अवेलेबल है और प्राइमरी अल्कोहल को जब हम एक हैलोजन एसिड के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे, रिएक्शन करवाने वाले हैं और इसका नाम HBr है, तो क्या बनेगा। तो उसके लिए कंडीशन है कि हमें यहां जो कैटलिस्ट है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉपलेट उसमें डालनी पड़ेगी और रिफ्लक्स करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट की जो पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देखते हैं, ये हमारे पास CH3CH2 और यहां Br मिल जाएगा प्लस वाटर ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो ब्रोमो इथेन क्या है, ये भी एक हैलो एल्केन का एग्जांपल है, ओके। अब इस केस में अगर HBr के साथ आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता और या फिर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल होता, ध्यान से समझना ये वाली बात,
प्राइमरी अल्कोहल है तब तो हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिक्वायरमेंट रहती है एज ए कैटलिस्ट। अगर और अगर हमें क्या बनाना है, हैलो एल्किल बनाना है, ये भी कंडीशन है। लेकिन अगर इन केस आपके पास सेकेंडरी है या टर्शरी है तो हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। अगर हम इन केस सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हमें हैलो एल्किल नहीं मिलेगा, तो शायद वहां एल्कीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन की कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। और रिफ्लेक्सिंग किसको कहा जाता है, एक तरह से रिफ्लेक्स करने का मतलब है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करना किसी भी चीज को, ठीक है। तो एक सेटअप होता है लैब के अंदर रिफ्लेक्सिंग करने के लिए, तो उसके उस इंस्ट्रूमेंट में ही ये रिएक्शन प्रोसीड करनी है, तो आपके पास ये बन जाएगा। इनकेस हमारे पास एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का है, इथेनॉल हमने लिया है और HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं। HI क्या है, हैलोजन एलिमेंट है, H है ना, HI, HBr, HCl सभी। तो यहां आपको पता चल गया होगा क्या बनेगा, CH3, CH2 और साथ में आयोडीन जुड़ जाएगा और वाटर जो है वहां से निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन है, फिर से मैं आपको बता देता हूं, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड किसकी, अल्कोहल की हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार आप फिर से इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी और भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन हम उनको भी स्टडी करते हैं।